चलिए, तो हमारे पास में रह गया ट्रांजिस्टर। वैसे तो ये आपके बोर्ड में नहीं है, मैंने बोर्ड का आपको करवा दिया है। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं सिर्फ मेंस का पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ मेंस का। तो देखो, वैसे तो जब ट्रांजिस्टर था तो मेन जो इसमें एम था या जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कैसे कोई भी सिग्नल हम लोग दें, इनपुट सिग्नल दें, तो आउटपुट सिग्नल अपने को मैग्निफाइड मिले, ये पर्पस था। बाद में इसको एज ए ऑसिलेटर भी देखा गया, एज ए स्विच भी इसको यूज किया गया। तो वैसे तो तभी तो इसको ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का मतलब था ट्रांसफर द करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ये मतलब होता है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो इनिशियल में यही था, यानी लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस करंट जा रहा है, तो उसमें जो अपने को आउटपुट मिलता है वो मैग्निफाइड आउटपुट मिलता है। ठीक, तो ट्रांजिस्टर में हम लोग यहां बात करते हैं वैसे तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। क्यों करते हैं वो भी बताया था, बाइपोलर जंक्शन यानी इसमें दो जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ट्रांजिस्टर में, दरअसल दो तरह से ट्रांजिस्टर बनता है। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसमें एन और एन के बीच में पी टाइप जो ट्रांजिस्टर, जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर वो ट्रैप रहता है, सैंडविच रहता है। ठीक है, एक होता है पीएनपी, पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी यानी इसमें एक अमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। तो अमीटर जो होता है उसकी साइज मॉडरेट होती है, जो बेस होता है उसकी साइज थिन होती है, और जो कलेक्टर होता है उसकी साइज बड़ी होती है ना। लेकिन डोपिंग लेवल जो है एमीटर का सबसे ज्यादा होता है, हाई लेवल होता है, और जो बेस होता है उसका डोपिंग लेवल कम होता है, और जो कलेक्टर होता है उसका डोपिंग लेवल मॉडरेट होता है, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ। तो ये N और ये P और ये N है। तो यहाँ क्या होगा, इस केस में हमें मालूम है कि ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव आयन है इसका, ये भी पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि डोनर होता है इसमें, जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है उसको डोनेट करता है। इसमें ये नेगेटिव इमोबाइल आइंस है इसमें भी। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करता है इसमें, क्योंकि इसमें तीन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होता है कि एक जंक्शन तो ये मिलता है अपने को, एक डिप्लीशन लेयर यहाँ मिलती है और एक डिप्लीशन लेयर यहां मिलती है। तो इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन, क्योंकि दो जंक्शन इसमें अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अमीटर, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कलेक्टर। तो पहले ये समझ लेते हैं, ये लिख बना लो पहले।
बना लिया। तो इसका ये भी पहले समझ लेते हैं कि इसका जो सिंबल होगा सर्किट सिंबल क्या है। तो सर्किट सिंबल ये होता है इस तरह से। तो ये एन पी एन है, तो दरअसल एन पी एन है, तो ये इस तरह का सर्किट इसका होता है। ये बेस है, ये मीटर है और ये कलेक्टर है, और ये कन्वेंशनल करंट को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि ये एन, ये पी और ये एन है, ठीक है। तो एमीटर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर बेस, फिर कलेक्टर। तो इसमें एक तो हम लोग बात करेंगे डोपिंग लेवल की, और दूसरा होगा साइज को लेकर। तो एमीटर की साइज क्या होती है, मॉडरेट साइज होती है, ये थिन होता है और ये लार्ज होता है साइज में। डोपिंग लेवल लेकिन एमिटर का क्या होता है, काफी हाई होता है, हेवी डोपिंग लेवल होता है, ये लो डोपिंग लेवल होता है, और इसमें मॉडरेट डोपिंग लेवल होता है, ठीक है। एमिटर क्यों कहा गया इसको, क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स को ये सप्लाई करता है, एक तरह से एमिट करता है वहां, है ना, बेस, है ना। तो इसमें क्या है कि इसलिए हेवी डोपिंग इसकी रखी जाती है, लेकिन साइज क्या होती है इसकी, मॉडरेट होती है। कलेक्टर की साइज क्या होती है, मॉडरेट होती है, और बेस की जो साइज होती है, सॉरी कलेक्टर की जो डोपिंग लेवल है मॉडरेट होता है, बेस का लो होता है, और साइज जो है थिन होती है, किसकी, बेस की। ये याद रखना है क्योंकि इस पर भी मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये टेबल का ध्यान रखना है आपको। बना लीजिए, लिख लिए सर, एक मिनट। हाँ सर, लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसमें भी ये भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही है, तो ये मीटर होता है, ये पी, ये एन, ये पी, और ये बेस है, और ये हमारे पास कलेक्टर है। तो यहाँ जो डोपिंग लेवल इसका, तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इम्प्योरिटीज इसमें ज्यादा इंट्रोड्यूस की जाती है बाकी के कंपैरिजन में। ये उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, क्योंकि एक्सेप्टर होता है ना, तो ये क्या होगा, माइनस होगा ना,
और ये पॉजिटिव मोबाइल आइंस इसमें बना लीजिए आप लोग, और इसमें ये भी नेगेटिव, एक जंक्शन ये मिलता है अपने को, मतलब एक डिप्लेशन ले रही होगी, दूसरी डिप्लेशन ले रही होगी इसमें। अब यहां देखिए आप, इसमें टर्मिनल तो तीन ही है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं, है ना। कौन कौन से होंगे इसका भी सिंबल पहले समझ लेते हैं। इसका सिंबल कैसा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये बेस होता है, ये सी, तो ये इसमें ऐसे करंट होगा, यानी ये पी एन और पी, ठीक है। तो ये बेस है, ये मीटर है, और ये इधर कलेक्टर है। तो तीन टर्मिनल इसमें, तो एक टर्मिनल क्या होता है यहाँ, कॉमन होता है ना। तो एक एक है ना, तो यानी एक कॉमन होगा, तो एक साइड इनपुट होता है, एक साइड आउटपुट होता है। तो ये बना लो, फिर आगे का बताता हूँ मैं। लिख लिया सर, एक मिनट। हाँ सर, लिख लिया। अभी इसमें तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि तीन टर्मिनल है, होने कितने चाहिए, चार टर्मिनल होने चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, तो पहला है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड तीसरा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ट्रांजिस्टर के तीन रीजन होते हैं जिसमें वर्क करता है, तो वो भी बताता हूँ यहाँ पहले, फिर आगे बात करेंगे। इट हैज, ट्रांजिस्टर हैज थ्री रीजन्स इन विच इट वर्क्स। पहला है एक्टिव रीजन। जब एक्टिव रीजन की मैं बात करूंगा तो मतलब ये होता है, एक्टिव रीजन की जब भी बात करेंगे तो बेस अमीटर इन फॉरवर्ड बायसिंग, एंड बेस कलेक्टर इन रिवर्स बायसिंग। ये लिख लीजिए।
ट्रांजिस्टर हैज थ्री रीजन्स इन विच इट वर्क्स. लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर. दूसरा होता है कट ऑफ रीजन. अच्छा, पहली बात है कि ये एक्टिव रीजन है तो ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर. तो जब एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर होगा तो वह एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है. दूसरा है कट ऑफ रीजन. इसमें क्या होता है, बेस कलेक्टर इज इन रिवर्स बायसिंग. एंड बेस एमिटर इज इन रिवर्स बायसिंग. मतलब दोनों ही रिवर्स बायसिंग में होते हैं. तो है ना. फिर तीसरा है सैचुरेशन रीजन. बेस कलेक्टर is in forward biasing and base emitter is in reverse biasing. ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं जो याद रखनी है. क्लियर? नहीं सर. हाँ सर, लिख लिया. अब क्या है कि कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज किया जाता है. तो इन कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन, तो कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन it works as a switch. बताएंगे इसके बारे में आगे. ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स है. अब हम बात करेंगे
वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर के बारे में कि कैसे ये काम करता है, वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। लिख लिया। तो इसमें हम लोग जो बात करने जा रहा हूं, इसमें कॉमन बेस को लेकर मैं ये चीज को समझाने जा रहा हूं कि कैसे काम करता है, फिर कैसे हम लोग इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, कैसे करें कि एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को, कैसे करें कि एज ए स्विच काम कर रहा है। तो इसका बेसिक फंक्शन समझना है अपने को पहले। ओके, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ और कॉमन बेस ले रहा हूँ, यानी बेस इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है। तो हमारे पास में, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं ना, तो ये एक ही क्रिस्टल के अंदर होता है। एक ही क्रिस्टल के अंदर हम लोग पी टाइप इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं, एन टाइप इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने वहां भी बताया था आपको, एक ही क्रिस्टल के अंदर है सब, ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ एनपीएन ले रहे हैं समझने के लिए, तो क्या करेंगे देखो, ये हमारे पास में ये एन है ना, तो ये अमीटर ले रहा हूं मैं यहाँ, यानी ये पी, ये एन और ये पी, यानी इधर ये जो है ये अमीटर है, इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल्स हैं, तो ये अमीटर है। और मतलब यहाँ मैंने पिछली बार जैसे होल नहीं बनाया तो होल्स भी है, ध्यान रखना है ना। और माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी है। उसी तरह यहाँ ये पॉजिटिव इमोबाइल आइंस है इसमें, ठीक है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नेगेटिव, तो यहाँ क्या होता है दरअसल हम लोग बैटरी लगाते हैं यहाँ, तो एक जंक्शन तो यहाँ मिलेगा अपने को, एक जंक्शन तो ही मिलेगा है ना, मतलब एक डिप्लीशन ले रही है और एक डिप्लीशन ले रही है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड ये कॉमन बेस है, तो बेस और अमीटर तो किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग में। इसका मतलब है ये प्लस होना चाहिए और ये इधर माइनस, यानी ये प्लस माइनस प्लस सॉरी, तो इसको हम लोग लिखते हैं लेकिन वी ई ई, क्योंकि ई साइड है इसलिए वी ई ई। और यहाँ इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो आई ई करंट है, ठीक है, और इसको किस में रखते हैं हम लोग, तो रिवर्स बाइसिंग में, तो ये क्या होना चाहिए, ये प्लस और ये माइनस है ना, ठीक है, नहीं तो ये होगा प्लस ये माइनस, इसको क्या लिखोगे पी सी सी। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो आई सी है, तो यहां से जो करंट इधर जा रहा है वो आई ई है, इसका मतलब है कि इधर से ICRR, इधर से क्या मिलेगा आपको, IB करंट मिलेगा। देख तो KCL यहाँ वैलिड है, तो IE इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ, IB प्लस IC लिखोगे। अब इसको ध्यान से समझिएगा, देखो PN जंक्शन की बात करें, पहले एमिटर और बेस की बात करें हम लोग यहाँ, तो हमने बैटरी इस तरह से लगाई कि VEE जो है, अगर मैं सिलिकॉन लेता हूँ ये, तो सिलिकॉन के केस में जो नी वोल्टेज वो कितना है, 0.7 वोल्ट है, यानी इसका मतलब VE जब आप अप्लाई करोगे तो 0.7 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई करोगे, तभी ये क्या होगा, फॉरवर्ड में बनेगा।
अगर जीरो से लेकर 0.7 यानी बिलो 0.7, जीरो से लेकर लेस देन 0.7 तक आपने VEE की वैल्यू रखी तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आई इस केस में आप देखोगे कि IE जीरो आ गया, है ना, IE जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कट ऑफ रीजन है, यानी जीरो से लेकर 0.7 तक अगर वोल्टेज रखा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो वो हो गया एक तरह से कट ऑफ रीजन, यानी उसको एक तरह से हम लोग रिवर्स बाइसिंग ही मानते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की, है ना। तो ये ई और बी के बीच में हमने क्या क्या, क्योंकि पी और एन के बीच में, तो हायर पोटेंशियल किधर है, इधर है, लोअर पोटेंशियल किधर है, इधर है, उसी तरह यहाँ का देखा हमने। तो एन और पी में, तो एन पी में क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइसिंग में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसके वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जब ये बनाया गया था तो एक्टिव रीजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तभी करंट फ्लो करेगा यहाँ। क्योंकि कट ऑफ रीजन में अगर चला गया तो करंट फ्लो ही नहीं करता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिव रीजन में। एक तरह से मतलब इसका जो ई और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा है। सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, जर्मेनियम लिया तो 0.3 वोल्ट से ज्यादा है, तो जनरली सिलिकॉन ही लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आप देखो कि इधर क्या है, देखो होल्स हैं, तो होल्स क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे ना, क्योंकि जंक्शन रीजन कौन सा हमारे पास में, यहाँ जो ये जंक्शन है और ये डिप्लीशन लेयर है, तो डिप्लीशन लेयर कैसी, ये और एक डिप्लीशन लेयर इधर बनेगी, कौन सी, ये आधी आधी बनाई है तुमने, तो एक एक लेयर ये है हमारे पास में, और इसमें क्या है, देखो इसमें तो ये होल्स हैं। अब ध्यान से समझिएगा, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ में आ गया तो बाकी का आगे का भी समझ में आ जाएगा। आप ये देखो कि हायर पोटेंशियल पर है, तो होल्स किधर मूव करेंगे, इसके होल्स इधर मूव करेंगे ना, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें क्या है, होल्स है, और सारे होल्स इधर मूव करेंगे। जब ये होल्स बेस में पहुंचेंगे, यानी इस एन वाले रीजन में पहुंचेंगे, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में है, क्योंकि जैसे इधर आएगा ये, एक मिनट, हाँ, इसको क्रॉस करके आएंगे ना, इसको क्रॉस करके होल्स इधर क्रॉस करके आएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में है ना ये, तो होल्स जब इधर क्रॉस करके आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। तो यहाँ आप देखोगे कि होल्स तो यहाँ काफी ज्यादा है, क्योंकि ये इसका जो डोपिंग लेवल होता है वो हैवी होता है। तो मान लो इसने 100 इलेक्ट्रॉन्स 100 होल्स भेजे मान लो, लेकिन इसके पास अवेलेबल तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके 4 होल्स क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में रिकम्बाइन होंगे, तो उससे जो करंट बनेगा वो दरअसल आईबी होगा, जो कि आप देखोगे आईबी करंट काफी कम होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स से जो करंट बन रहा है वो आईबी है। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो, ये रिवर्स बाइसिंग में है, यहाँ कौन सा, एन और पी, हमने देखा इधर का एन और पी जो है रिवर्स बाइसिंग में है, तो आप खुद ही देखिए, अगर रिवर्स बाइसिंग में है, इसका मतलब हुआ कि इसके कंपैरिजन में ये क्या है, हायर पोटेंशियल पर है, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, होल्स ज्यादातर होल्स जो बचे कितने, 94, तो 94 होल्स क्या करेंगे, इधर की तरफ चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हायर से लोअर जाएंगे ना, हरी बात सुन में, क्या वो करेंगे, ज्यादातर होल्स इधर पहुंच जाएंगे, तो जो आईसी करंट होगा ना, दरअसल वो ऑलमोस्ट आईई के इक्वली होता है, क्योंकि 100 जब होल्स उधर से इधर आए हैं बेस में, उसमें 4 का रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो बचे 96 को क्या करेगा, ये पी में भेज देगा, तो वो जो करंट बनेगा यहाँ वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 96 होल्स के करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये दोनों इक्वली होते हैं ऑलमोस्ट, और आई भी काफी स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है यहाँ। तो आप यहाँ देखो कि ये रिवर्स बाइसिंग में है ना, एन और पी जो है इधर का, एन और पी जो है, पी कौन सा, लेफ्ट राइट वाला, सॉरी, तो एन और पी जब रिवर्स बाइसिंग में, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है और करंट भी ज्यादा है, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब आप इसके अक्रॉस वोल्टेज देखोगे ना, तो वो इनपुट वोल्टेज यानी ई और बी के वोल्टेज के कंपेरिजन में क्या मिलेगा आपको, हाई मिलेगा, एम्पलीफाइड वोल्टेज मिलेगा एक तरह से। उसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि 96 होल्स जो है वो कलेक्टर में जा रहे हैं, जो कि वो कलेक्ट कर रहा है,
तो ये क्या है हमारे पास में, ये कलेक्टर है, ये क्या हमारे पास में बीच वाला, ये बेस है, और ये क्या है इधर एमिटर है। ये बात सुन में आई पहले? मैं बात सुन में आई, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ है ना? तो एक चीज तो ये होगी। दूसरा पॉइंट अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें ये इक्वेशन है, ये बड़ी काम की इक्वेशन मिली है, ये आगे भी काम आएगी हमारे, तो इसमें ये बना लो पहले, फिर आगे की बात करता हूँ। तो एक चीज और समझाता हूँ थोड़ा इसमें। यहाँ देखो बाप, ये क्या हो जाएगा एक तरह से, ये जो लेयर है ना ये थिन हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है ना, ये डिप्लीशन रीजन क्या मिलेगा इसका, स्मॉल मिलेगा नहीं इसका, इसका क्या होगा, लेकिन इसका ये डिप्लीशन लेयर क्या मिलेगी आपको, बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में है ना। भाई बासन में, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ कम है, तो इसलिए तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर द करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ये मतलब हुआ है यहाँ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? लिख लिया हमने, बना लिया। सर हो गया। लिख लिया? अब हमारे पास में आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी है, इस पे भी क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको आई आई ए को आई बी से अगर डिवाइड करूं, इक्वल टू वन प्लस आई सी बाई आई बी, दरअसल यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, मुझे आईसी से डिवाइड करना है। हमारे पास में क्या देखो यहाँ, सिंस आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो आई ई डिवाइडेड बाई आई सी इक्वल टू आई बी डिवाइडेड बाई आई सी प्लस वन। दरअसल यहाँ आई सी बाई आई ई इसको लेते हैं अल्फा, और ये हो गया हमारे पास में बीटा प्लस वन, यानी अल्फा है आई सी बाई आई ई। तो जब ये उस केस में होगा जब कॉमन बेस होगा, तो ये हो गया एक तरह से इसको हम करंट गेन बोलते हैं। तो करंट गेन ये इस केस में डीसी करंट गेन है, तो डीसी करंट गेन इन कॉमन बेस के केस में होगा ये,
और बीटा है ना, बीटा इक्वल टू होता है आई सी बाई आई बी, इसको मैं देखूंगा, इसको बोलेंगे डीसी करंट गेन इन कॉमन अमीटर। जब कॉमन अमीटर में, इसलिए इसमें आईसी क्या है काफी ज्यादा होगा आईबी के कंपेरिजन में, तो बीटा क्या है अल्फा के कंपेरिजन में काफी ज्यादा होगा, इसलिए जनरली वैसे भी जो हमारे कोर्स में भी है वो कॉमन अमीटर ही है ना, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन ये एक बेस है जिसके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझने के लिए लिया था, है तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये फॉर्मूले से रिलेटेड, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ बीटा बाई वन प्लस बीटा, या बीटा अगर इसको लिखेंगे तो वन बाई अल्फा माइनस वन इक्वल टू वन बाई बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बाई वन माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी एक फॉर्मूला, फॉर्मूला वैसे तो ये और उसके बाद एक करंट गेन के बारे में ध्यान रखो कि ये डीसी का करंट गेन है मॉनिटर में, ये लिखो। क्योंकि इसमें देखो आप करंट गेन क्या मिलेगा, कम मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि आई ई वैसे भी आई सी तो ज्यादा ही होगा, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको लेस देन वन मिलेगी इधर से, तो ये तो एक आइडिया अपने को यहाँ से लग गया कि किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, यानी इसका वर्किंग क्या है। अब हम बात करेंगे कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। जब इसको कॉमन अमीटर में यूज करेंगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड में किया था, फॉरवर्ड बायसिंग में आई वी कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायसिंग में आई वी कैरेक्टरिस्टिक, यानी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ भी हम बात करेंगे इसको लेकर। लिख लिया आप लोगों ने, भाई जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई है, जो मैंने पेपर्स भेजे हैं वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, जो टॉपिक वाइज मैंने भेजे थे आपको? कर रहे हैं सर। भैया ऐसा ईमानदारी से करिए, ठीक है, अगर ईमानदारी से आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपका अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और अगर आप इस आप सोचते हो कि फेब मार्च से फेब वाली से अगर आपको मतलब करना है, तो मेरे हिसाब से तो देखो उससे तो आप जज कर नहीं सकते हो, लेकिन मार्च वाले से तो काफी कुछ कर लिया हम लोगों ने, मार्च वाले से तो हम लोग फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप, है ना। लेकिन अप्रैल मई में इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि आपके सारे पेपर्स अच्छे से हो जाएंगे। तो पेशेंस रखो, ये नहीं कि घबराने की जरूरत नहीं है भाई, फोर अटेम्प्ट है यार। अब आप कहेंगे सर फोर अटेम्प्ट है तो क्या बाकी लोग नहीं दे रहे हैं क्या? भाई दे रहे हैं, हमें बेस्ट करना है ना, हम बनेंगे ना क्वेश्चन एग्जाम में, क्यों नहीं बनेंगे।
जो बोल रहे हैं उसको फॉलो तो करिए बाप। मैं ऐसा मैंने देखा यार, ऐसा कोई टफ पेपर तो नहीं था कि तुम्हारे मार्क्स ही ना आए, ऐसा नहीं है। उस लेवल का तो पेपर नहीं थे। मैंने 6 पेपर देखे, मुश्किल से 5 क्वेश्चन हटा दो चलो, बाकी क्वेश्चन तो थे 20 तो क्वेश्चन ऐसे थे। 5 क्वेश्चन तो चलो मानते हैं इधर उधर के होते ही हैं, बाकी कर सकते थे। कहें कि सर हमारा सेमी कंडक्टर नहीं हुआ था, तो वो तो एक क्वेश्चन था उसका, होगा भी तो, और वो भी उसमें कई सारे मैंने देखा, वो तो उसमें थे 10 वाले में, जो 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे आपके उसमें थे, उसमें से एक को छोड़ दो, मान के चलो कि वो है ही नहीं, 29 क्वेश्चंस हैं। इतना इतना भी नहीं था कि मतलब नहीं कर सकते, मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि इतने क्वेश्चन बाकी चैप्टर में तो किए हैं हम लोगों ने। ये लिख लिया सबने, लेकिन आप जो है अभी आपके पास अभी भी टाइम है, जो बोल रहे हैं अगर उतना भी आप अच्छे से करके जाओगे तब भी अच्छा कर ले जाओगे। मैं तो अभी मार्च अटेम्प्ट के कह रहा हूँ, अभी अप्रैल और मई में तो और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? जैसे हमने पीएन जंक्शन डायोड में किया था वैसे यहाँ करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे एम्पलीफायर की, फिर बात करेंगे स्विच की, उसके बाद रहेगा लॉजिक गेट्स। तो ये आज मुझे लग रहा हो जाना चाहिए कम्प्लीट आपका। 8:30 बजे के बाद भी क्लास है क्या आप लोगों की? हाँ सर, मैथ्स लेक्चर है। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, और यही आपके कोर्स में है कॉमन एमिटर वाला ही। मेंस में ये तो बोर्ड में भी नहीं मेरी ख्याल से। तो इसमें हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो क्या है पहले कॉमन एमिटर। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना है एनपीएन ही लेना है, एनपीएन और कॉमन एमिटर, ये आपके कोर्स में इसी से क्वेश्चंस आए हैं, आते रहेंगे, ठीक है? तो इसमें एमिटर क्या है, कॉमन है, तो ये हमारे पास में N, ये P और ये N है, ठीक है? तो ये बेस है, ये कलेक्टर है, और इसका सिंबल जब भी ऐसा नजर आए यानी ये एमिटर है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज कैरियर सप्लाई कर रहा है इसको, तो ये इसका कन्वेंशनल करंट को इंडिकेट करता P से N के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में है। तो इसमें हम लोग जो करंट की बात करेंगे तो वो करंट क्या होगा, काफी स्मॉल करंट होगा। इसमें आप एमिटर यूज कर सकते हो यहाँ, जो कि माइक्रो एम्पियर में मेजर करेगा, और यहाँ जो रेजिस्टेंस से मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ आर बी, और ये यहाँ लिखेंगे वी बी बी, तो फॉरवर्ड बायस में वी बी बी, तो पी क्या होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, जो एन है वो लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए। यहाँ बैटरी को मैं बोल रहा हूँ वी बी बी, और इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ करंट जो फ्लो कर रहा है माइक्रो एम्पेयर में, यानी आई बी करंट है, और यहाँ जो करंट है वो आई ई करंट है। तो यहाँ रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं उसको आर एल बी बोलते हैं, आर ओ बी बोलते हैं, ठीक है? इसमें इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, तो ये प्लस ये माइनस, ये बीसीसी है, ठीक है? यहाँ हम लोग जो इनपुट की बात करेंगे, दरअसल वो इस इनपुट की बात करूंगा मैं, यानी वी बी ई की, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है ना? और ये जो होगा यहाँ,
किसके इसके अक्रॉस, ये होगा VCE, ये आउटपुट वोल्टेज, यानी एक तरह से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज माना जाएगा, ओके, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज माना जाएगा, और यहां जो होगा ये आउटपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस, जो कि किसके इक्वल होगा, ये VCE के, क्लियर। तो इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा IC, तो यहां आप देखो कि इधर क्या जा रहा है, IB करंट जा रहा है, इधर क्या करंट जा रहा है, IC जा रहा है, तो जंक्शन पॉइंट पर IE इक्वल टू IB प्लस IC हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम बात करेंगे दो कैरेक्टरिस्टिक की, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग बात करेंगे यानी IV इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो IV इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे, यानी यहां हम लोग IB वर्सेस VBE ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे, IB वर्सेस VBE when VCE is constant, IB versus VBE when VCE constant। तो आप ये देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे पास में VC तो कांस्टेंट हो गया, अब IB को हम लोग, IB चेंज हो रहा है VBE के अकॉर्डिंग, तो VB कैसे चेंज होगा, जब आप VB भी चेंज करोगे, है ना। तो आप यहां देखो, जब तक P और N के, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो अगर जीरो सिलिकॉन अगर मैंने लिया मान लो यहां फिर से, तो आप देखो कि जीरो से 0.7 तक अगर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया बिलो 0.7, इसमें IB क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। लेकिन जैसे आप आई, जैसे VBE की वैल्यू 0.7 से ज्यादा होगी, तो करंट क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा, तो ये पीएन जंक्शन डायोड ही तो हो गया एक तरह से। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगी आपको, ये लिख लिया, ये बना लो, पहले ग्राफ बताता हूं इसका क्या होगा। तो एक चीज भी ध्यान रखिएगा, आई बी जो होगा वो मिली माइक्रो एम्पेयर में होगा, और आई सी जो होगा वो मिली एम्पेयर में होगा। बना लिया आप लोगों ने, एक मिनट,
तो यहाँ देखो जब हम वी एक्सटेंड रखते हैं तो क्या होगा यहाँ, क्योंकि एक फॉरवर्ड बायसिंग में तो वी बी ई और ये आई बी है, तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा इसमें, है ना, उसके बाद इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा ऐसे। तो ये वी सी जो कि मैंने मान लिया 10 वोल्ट है उसके करस्पॉन्डिंग है, और ये वैल्यू क्या है यहाँ सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये नी वोल्टेज है या कट इन वोल्टेज है 0.7 के बाद यहाँ कंट्रोल करने लगे। अब अगर मान लो इसमें भी देखा गया वीसी को अगर इंक्रीज किया तो होता क्या है, वीसी को जब इंक्रीज किया तो उस केस में ये पहले चीज समझ लेते हैं कि जब वीसी जब आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ होता क्या है कि ज्यादातर जो, क्योंकि वीसी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि अमीटर और कलेक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपने इंक्रीज किया, तो ज्यादा होल्स या जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। मान लो पहले ऐसा था कि हम मान लो मैंने वीसी इंक्रीज किया तो वीसी इंक्रीज किया तो सिंपल सी बात है कि आईसी इंक्रीज होगा। अब आईसी जब इंक्रीज होगा तो मान लो पहले एमिटर से 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, उसमें से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स बेस में चले गए और 95 इलेक्ट्रॉन्स किधर ट्रांसफर हो गए कलेक्टर में। अब मान लो हमने वीसी बढ़ाया तो वीसी जब बढ़ाया तो आपने ई और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो मान लो आपने कर दिया 120 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब 120 आपने सप्लाई किए हैं तो यहाँ क्या होगा कि उसमें से एक तरह से मान लो ऐसा समझते कि 116 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में ट्रांसफर हो गए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से बढ़ा, लेकिन इसमें क्या हो गया 4 ही इलेक्ट्रॉन्स इसको मतलब रिकम्बाइन हो पाए मान लो। तो यहाँ क्या होगा इस केस में, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप वीसी इंक्रीज करते हो तो उस केस में क्या होगा आईबी थोड़ा डिक्रीज कर जाता है इस वीबीई के लिए, सेम वीबीई के लिए आईबी क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और ये जो ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग है और इसके करस्पॉन्डिंग मान लो वीसी इक्वल टू आपने कर दिया 12 वोल्ट, तो ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आईबी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है सेम वीबी के लिए जब आप वीसी इंक्रीज करते हो तो, ठीक है ये लिख लो। अच्छा इसमें भी डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, तो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा ये आरडी इक्वल टू डेल्टा, मतलब ये हो जाएगा डेल्टा वीबीई डिवाइडेड बाय डेल्टा आईबी, वीसी इक्वल टू किसी पर्टिकुलर वीसी इक्वल टू कांस्टेंट के लिए बात करेंगे क्योंकि वीसी चेंज करोगे तो ग्राफ दूसरा, लेकिन सिमिलर ग्राफ मिलेंगे अपने को। तो डेल्टा वीबीई डिवाइडेड बाय डेल्टा आईबी ये इसका डायनेमिक इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा।
लिख लिया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में आउटपुट आईवी कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हम बात करते हैं आईसी वर्सेस वीसीई व्हेन आईबी इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, दरअसल ये हमारे पास में आईसी है और ये वीसीई है। तो आप यहां देखो, क्योंकि अगर आईबी जीरो हो गया तो आईबी जीरो कब होगा? आईबी जीरो होगा व्हेन वीबीई ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो एंड लेस देन 0.7 वोल्ट। तब आई भी क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। इसमें ये बात सुन मारी आपको पहले? तो आप देखोगे इसका मतलब आई भी अगर जीरो है तो आई सी भी जीरो होना पड़ेगा और आई ई को भी जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ जब ग्राफ आप बनाओगे तो ग्राफ आपको मालूम है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट यहाँ से मिलता है, यानी आई सी भी ऑलमोस्ट क्या नेग्लिजिबल है और ये आई बी इक्वल टू जीरो है। ये जो रीजन होता है ना, इस रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, जिसमें स्विच की तरह ये काम करेगा। तो ये रीजन को माना जाता है कट ऑफ रीजन, ठीक है, जहां आई बी क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो आई बी कट ऑफ रीजन में इसका मतलब क्या हुआ कि बेस अमीटर रिवर्स बाइसिंग में है और जो कलेक्टर और बेस है वो भी रिवर्स बाइसिंग में है, तभी तो कट ऑफ रीजन आया। उसके बाद अगर हमने आईबी को इंक्रीज किया तो आईबी कब इंक्रीज होगा? जो 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, है ना। तो उस केस में देखा गया कि जैसे 0.7 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? बेस अमीटर फॉरवर्ड बाइसिंग आ जाएगा। जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा तो देखा गया कि ये जो बेस और कलेक्टर है ये भी उस केस में क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। तो जब दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग में होंगे तो उस केस में क्या हो गया कि करंट जब आप आईबी को इंक्रीज करोगे तो जैसे जैसे वीसी इंक्रीज करेगा तो आप देखोगे कि इसमें करंट ऐसे बढ़ता जाता है और एक टाइम के बाद लेकिन ये सेचुरेट हो जाता है। ये मान लो आईबी इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन यहाँ बढ़ता गया फिर इसके बाद कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। कॉन्स्टेंट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आईसी कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि ये रिवर्स बाइसिंग में चला गया। रिवर्स बाइसिंग में चलने का मतलब हुआ कि इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो करंट क्या हो जाएगा वहां? ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वहां, यानी लार्ज क्वांटिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मान लो अभी भी मान लो मैंने आई बी बढ़ाया 20 माइक्रो एम्पेयर कर दिया तो फिर से क्या होगा? आईसी वीसी के करस्पॉन्डिंग फिर इंक्रीज करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद फिर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान लो ये आई बी इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पेयर के करस्पॉन्डिंग है तो फिर से क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये होगा, और मान लो आपने फिर से 30 कर दिया, फिर से क्या करेगा? इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान लो आई बी इक्वल टू आपने 30 माइक्रो एम्पेयर कर दिया, तो आप ये देखो इस वाले रीजन में जैसे जैसे हम लोग वीसी इंक्रीज कर रहे हैं तो आईसी इंक्रीज कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन है ना, इस रीजन में जो बेस और कलेक्टर है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है और बेस और अमीटर तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ही, इस रीजन को बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। और यहाँ करंट जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी ये वाला जो रीजन माना जाता है, इस वाले रीजन को बोलते हैं एक्टिव रीजन। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला रीजन क्या हो गया? एक्टिव रीजन, जिसमें आईसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स बाइसिंग में चला गया,
तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो करंट क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो ये एक्टिव रीजन आ गया। ठीक है, बना लो। लिख लिया क्या? तो ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग डायनेमिक आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो ये होगा हमारे पास में आर डी इक्वल टू डेल्टा वी सी ई बाई डेल्टा आई सी वेन आई बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात होगी हमारी। हम बात करते हैं एम्पलीफायर को लेकर। ठीक है, लिख लिए? हाँ सर। अच्छा, इसी में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के बारे में भी समझ लेते हैं। अभी तो हमने एसी का तो देख लिया था, सॉरी डीसी का, तो एसी का क्या होगा यहाँ वो भी समझ लेते हैं। तो
एसी करंट गेन तो एसी करंट गेन में क्या हो जाएगा यहाँ क्योंकि कॉमन एमिटर है तो कॉमन एमिटर के केस में बीटा है यहाँ होगा डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी ठीक है ये कब जब बी सी ई कॉन्स्टेंट है तो ये करंट गेन होगा तो ये हो गया लेकिन एसी का करंट गेन है और अगर हम डीसी की बात करेंगे तो फिर ये क्या होगा आई सी बाई आई बी होगा तो एक बात ध्यान रखना है कि बीटा एसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा डीसी बीटा एसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा डीसी इसका थोड़ा ध्यान रखना है ना तो ये लेकिन किस में बात करेंगे हम लोग यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास में एक्टिव रीजन में है ना तो एक्टिव रीजन में बीटा ए सी बीटा डीसी ये दोनों इक्वल होते हैं ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं ठीक है तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है है ना तो ये हो गया हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक को लेकर लिख लिया भाई हाँ सर नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर तो पहली बात तो ये दिमाग में बैठाओ कि अगर डीसी है तब तो एम्पलीफिकेशन की बात कर ही नहीं सकते हैं ये वैसा ही जैसे ट्रांसफॉर्मर में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था है ना तो जब हम लोग एसी अप्लाई करेंगे क्योंकि एसी में ही वेरिएशन होता है तभी उसके एम्पलीफिकेशन की बात करेंगे हम लोग ठीक है तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इसमें सर्किट समझाता हूं मैं क्योंकि सर्किट भी पूछा जा सकता है किस तरह का सर्किट होता है तो ये हमारे अच्छा बात भी हम लोग कॉमन एमिटर की करेंगे तो कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे पहला तो पॉइंट ये हो गया दूसरा एनपीएन की बात करेंगे ठीक है तो ये इस तरह का सेटअप है इसका ये बेस है और इसका जो रेजिस्टेंस है ये आर बी है इसको हम लोग आर आई भी लेंगे तो ये करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है ना ये बेस है और ये अमीटर है सॉरी कलेक्टर है ये अमीटर इधर है तो ये हमारे पास में यहाँ बैटरी होती है वी बी बी और ये कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर डीसी के लिए किस तरह बिहेव करता है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है तो यहाँ जो सिग्नल हम लोग देते हैं ना दरअसल वो एसी सिग्नल होते हैं इसको हम लोग लिखेंगे वी आई ठीक है तो यहाँ जो करंट है वो हमारे पास में आर बी सॉरी आई बी और यहाँ ये रेजिस्टेंस है ये आर सी हो सकता है आर नॉट हो सकता है इसको आर एल भी लिखते हैं हम लोग और इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा ये वी सी सी है
और आउटपुट जब हम लोग यहाँ लेंगे, यहाँ भी डीसी यानी कैपेसिटर लगाते हैं और आउटपुट अपने को यहाँ मिलेगा। तो मतलब क्या, देखो यहाँ आउटपुट मिल रहा है अपने को, तो मतलब ये हो गया एक तरह से कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिग्नल है और यहाँ क्या है, ये एक तरह से ये क्या है, स्पीकर है। तो इस केस में देखा गया कि इसका जो सिग्नल है ना आउट ऑफ फेज मिलता है, एम्पलीफाइड मिलेगा लेकिन आउट ऑफ फेज मिलेगा, ऐसा क्यों मिलेगा अभी बताऊंगा। तो ये वी आउटपुट है, ये टी है और ये वी इनपुट है और ये टी है, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल रहे हैं तो यहां से एम्पलीफाइड सिग्नल अपने को मिल रहा है लेकिन आउट ऑफ फेज मिल रहा है। आउट ऑफ फेज मतलब 180 का फेज डिफरेंस है दोनों में, ये मतलब है। आउट ऑफ फेज मतलब 180 का फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट के अंदर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, टेक पॉइंट ये याद रखना, क्योंकि हमारे कोर्स में एनपीएन ट्रांजिस्टर और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही है, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ हम लोग यहाँ वेरिएशन करेंगे इसमें, है ना, इनपुट वेरिएशन करेंगे तो अपने को आउटपुट वेरिएशन मिलेगा, ठीक। ये बना लो पहले, तो आगे बताता हूँ। बना लिया, हाँ सर। तो यहाँ देखो एक लूप तो मैं ये बना रहा हूँ यहाँ, और एक लूप ये बनाऊंगा, क्या बनेगा देखो, तो हमारे पास मिलेगा वी बी बी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई, है ना। तो आप देखो कि अगर इसमें मैंने चेंज किया, मान लो तो दरअसल ये हमारे पास में क्या हो गया, ये वी इनपुट है, इसको डेल्टा वी आई लिख सकते हो, वी आई लिख लो, और ये इक्वल टू हो जाएगा आर बी डेल्टा आई बी, और यहाँ भी क्या मिलेगा, डेल्टा वी बी ई। लेकिन ये देखा गया कि जो वेरिएशन होता है डेल्टा डेल्टा वी बी ई में, दरअसल वो नेग्लिजिबल ही होता है, यानी एक तरह से वी आई, या इसको मैं डेल्टा वी आई ले लेता हूँ, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक तरह से आर बी डेल्टा आई बी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, आर बी को आप आर आई भी लिख सकते हो। तो ये इनपुट में वेरिएशन हुआ, ठीक। उसी तरह ये इस लूप को देखो आप, इसमें क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा वी सी सी इक्वल टू वी सी ई
प्लस आई सी आर सी यानी वी सी ई हमारा ये आउटपुट एक तरह से यहाँ जो मिलेगा अपने को ये, तो ये हो जाएगा वी सी सी इक्वल टू वी मतलब वी सी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। अगर इसमें चेंज किया, चेंज इसमें भी होगा क्योंकि इनपुट में चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा वी नॉट या वी नॉट है ना, तो डेल्टा वी नॉट लिखो ज्यादा अच्छा है, यहाँ भी डेल्टा वी नॉट कर देता हूँ मैं, ये डेल्टा वी आई है बेटा दो ज्यादा अच्छा रहेगा ये बेटा दो, ठीक है। तो डेल्टा वी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, क्योंकि वी सी से तो कांस्टेंट है तो माइनस, तो आप देखो ये मिलेगा आपको आर सी डेल्टा आई सी। ध्यान से देखो डेल्टा वी सी माइनस के साथ मिल रहा है तभी तो ये क्या कर रहा है आउट ऑफ फेज आ रहा है। तो यहाँ डेल्टा वी सी ई की वैल्यू क्या आ गई माइनस आर सी डेल्टा आई सी आ जाएगा, ये लिख लो। इस पे भी इस बार क्वेश्चन था मालूम है, एक क्वेश्चन आया था और किस वाले पेपर में आया एग्जैक्टली मालूम मुझे, लेकिन उसमें मैग्निफिकेशन दिया था, बताता हूँ मैं भी, देखो आगे क्या करना है इसमें। लिख लिया? हाँ सर। ये फिगर तो रिमूव कर दो ना। हाँ सर। तो यहाँ देखो हमारे पास में एक तो ये आ गया यानी डेल्टा वी नॉट इक्वल टू माइनस आर सी डेल्टा आई सी। अब 34 का मोड ले लो, तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो करंट गेन के बारे में है ना, तो एसी करंट गेन तो बीटा एसी इक्वल टू क्या मिलेगा डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी, फिर होगा इसमें वोल्टेज गेन तो वोल्टेज गेन मतलब ए वी ये लिखेंगे डेल्टा वी नॉट बाई डेल्टा वी आई, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आर सी डेल्टा आई सी बाई, अच्छा इसको आर नॉट भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ये आर सी को आर नॉट ले रहा हूँ मैं, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट है सॉरी रेजिस्टेंस है, और ये आर बी डेल्टा आई सी सॉरी आई बी, तो ये क्या है देखो आई डेल्टा आई सी डेल्टा आई बी बीटा ए सी हो गया, और ये क्या है आर सी बाई आर बी, सी बाई आर बी क्या है ना, आर सी बाई आर बी क्या है इसको आप बीटा ए सी आर ओ बाई आर इन भी लिख सकते हो, यानी ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटा ए सी क्या है करंट गेन
एन टू रेजिस्टेंस गेन भी तो लिख सकते हो, ये भी लो प्रकार रिमूव कर देता हूं मैं। एक होता है पावर गेन। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पावर में गेन होगा मानता हूं मैं, लेकिन ये पावर सोर्स नहीं है। ये पावर गेन जो हो रहा है या वोल्टेज गेन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, जो डीसी बैटरी हमने लगा रखी, कौन कौन सी, वी बी बी और वी सी सी, यहाँ से एनर्जी मिल रही है इसको, तो ये पावर सोर्स नहीं है। नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए, ट्रांजिस्टर इज नॉट अ पावर सोर्स। तो इसमें हम लोग पावर की बात करेंगे, तो पावर गेन मतलब यहां लिखेंगे वोल्टेज गेन इनटू वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। तुम्हारे पास ये आ जाएगा एपी इक्वल टू वोल्टेज गेन क्या है, वोल्टेज गेन ये रहा बीटा एसी इनटू आर नॉट बाय आर आई इनटू करंट गेन क्या है बीटा एसी, यानी आ गया बीटा एसी का होल स्क्वायर आर नॉट बाय आर आई। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा आई सी का होल स्क्वायर इनटू आर ओ डिवाइड बाय डेल्टा आई बी का होल स्क्वायर इनटू आर आई भी लिख सकते हो। तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई भी क्या है बीटा आई सी का होल स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हो। तो आपका ये एम्पलीफायर की बात हो गई है। लिख लिया हाँ सर। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में इसका सर्किट कैसा होता है, देखो
ये हमारे पास में कॉमन एमिटर है और एनपीएन ट्रांजिस्टर ये एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो अपने को यहाँ आउटपुट लेना होता है इसके अक्रॉस, या आर सी या आर ओ या आर एल ए, इसमें करंट जो है वो आई सी ऐसे फ्लो करेगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इसमें आई बी, यहाँ से जो करंट होगा वो आई ई। तो यहाँ हम लोग इनपुट की बात करते हैं ना, तो यहाँ समझना जरूरी है। ये लूप बनाता हूँ, मान लो मैं यहाँ क्या मिलेगा मुझे, देखो वी बी बी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई मिलेगा, है ना। तो एक तरह से ये क्या हमारे पास में ये इनपुट है, और यहाँ इस लूप को बनाएंगे तो आप देखोगे कि वी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई। तो यहाँ वी सी ई क्या मिलेगा आपको, वी सी सी माइनस आई सी आर सी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ आप ये देखो कि आई बी कब फ्लो करना शुरू करेगा, वेन वी बी ई जब ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तब इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा, उसके पहले तो करंट फ्लो करेगा नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वी बी ई लेस देन 0.7 वोल्ट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आप देखोगे कि आई बी जीरो मिलेगा तो आई सी भी जीरो मिलेगा। अब आई सी जीरो मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास में ये आउटपुट है वी नॉट, तो आप देखो कि ये वाला पार्ट जीरो मिलेगा, इसका मतलब वी सी सी क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वी नॉट क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो जीरो से लेकर 0.7 से कम तक आई बी जीरो आई सी जीरो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ वी सी सी मिलेगा, है ना। तो यहाँ जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे वी इनपुट और वी आउटपुट के बीच में, तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक करंट क्या है, सॉरी वी नॉट क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगा, है ना। उसके बाद इसका मतलब ये कौन सा रीजन हुआ, ये कट ऑफ रीजन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे 0.7 वोल्ट से ज्यादा वीबी हुआ तो आप देखोगे कि आई बी बढ़ेगा, आई बी बढ़ेगा तो आई सी बढ़ेगा, आई सी बढ़ेगा तो आप देखो वी नॉट क्या करेगा इसके अकॉर्डिंग लीनियरली डिक्रीज करेगा, यानी इसका मतलब ये ऐसे डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन एकदम शार्प नहीं होगा, ऐसे कर्व मिलेगा यहाँ, उसके बाद ये डिक्रीज करता जाएगा ऐसे, ठीक। अब आईसी की जब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तो आप देखो कि वी नॉट काफी स्मॉल होगा, इसका मतलब वो कौन सा रीजन में पहुंच जाएगा, सेचुरेशन रीजन में। इसका मतलब ये जो रीजन है यहाँ, ये तीन पार्ट में डिवाइड कर ले सकते हैं हम लोग, कैसे, ये जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट रीजन है यहां से यहां तक का, ये सेकेंड रीजन है, और ये इधर का रीजन जो होगा है ना थर्ड। तो फर्स्ट रीजन क्या है, कट ऑफ रीजन हो गया ना, और टू, और ये जो टू वाला ये क्या है, ये एक्टिव रीजन है ना, हरी भाषण में ये क्या होगा, इसमें एक्टिव रीजन होगा। जैसे जैसे आई बी बढ़ाते तो आई सी बढ़ता, हमने देखा है ना, बाई 10 माइक्रो एम्पेयर से सीधा आप 20 माइक्रो एम्पेयर पे गए तो आई सी बढ़ रहा है ना, तो वो ये वाला ग्राफ हो गया, यानी वन रीजन कौन सा है, तो ये हो गया हमारे पास में कट ऑफ रीजन, ये ग्राफ भी पूछा जाता है। ये जो टू वाला है ये हो गया हमारे पास में एक्टिव रीजन, और ये थ्री वाला जो है ये हो गया हमारे पास में सेचुरेशन रीजन।
तो एक्टिव रीजन में तो ये एज एम्पलीफायर काम करता है, तो इसको ट्रांजिस्टर को इस तरह से सेट किया जाता है कि या तो ये कट ऑफ रीजन में रहे या सेचुरेशन रीजन में रहे, है ना। जब कट ऑफ रीजन में रहेगा तो आप ध्यान से समझिएगा, देखो कट ऑफ रीजन में रहेगा तो आईसी जीरो तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, वी नॉट मिलेगा ना, यानी इसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग स्विच ऑफ कंडीशन, क्योंकि आई बी क्या है यहाँ जीरो है, तो इसको बोलते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। जब आईसी मैक्सिमम होगा, आईसी जब मैक्सिमम होगा तो वी नॉट क्या होगा, ये जो वैल्यू आ जाती है ये ऑलमोस्ट लेस देन मतलब वी नॉट जो होता है यहाँ इस केस में, यहाँ ये वैल्यू आती है लेस देन 1 वोल्ट से भी कम आती है, और कई केसेस में तो इसको जीरो भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखोगे कि सेचुरेशन रीजन में जैसे जाएगा तो आईसी मैक्सिमम होगा, तो वीसी तो कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी लेस देन 1 वोल्ट मिलती है, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं हम लोग, लेकिन काफी स्मॉल क्वांटिटी मिलती है, तो उसमें क्या होगा है स्विच ऑन कंडीशन माना जाता है, क्योंकि वोल्टेज तो नेग्लिजिबल है, आउटपुट वोल्टेज नेग्लिजिबल है, लेकिन करंट क्या है मैक्सिमम है, उसको बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशन। तो ये इसको इस तरह से एज ए स्विच यूज किया जाता है। समझ में आया, मैं लिखवा भी देता हूं अभी इसको, पहले ये लिख लो आपको। तो आपका ट्रांजिस्टर हो गया, बस इसमें बचा लॉजिक गेट्स। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से शुरू हो रही है? 9:30 से। 9:30 से ना? हेलो सर, ठीक है, तो इसको कंप्लीट ही करा देता हूँ भाई मैं, लॉजिक गेट भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लॉजिक गेट 10-15 मिनट मान लो मैक्सिमम, ठीक है। पहले इसका एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, 1 मिनट और लगेगा इसमें। तो कट ऑफ रीजन में आप देखोगे वी नॉट किसके इक्वल मिलेगा, वीसीसी। लिख लिए, ठीक है।
लिख लिया क्या? हाँ सर। तो when IC equal to zero, V not equal to क्या VCC, यानी आउटपुट क्या मिल रहा है VCC, इसको हम बोलेंगे स्विच ऑफ कंडीशन। When IC maximum, तो उस केस में V not क्या मिलेगा आपको मिनिमम, इसको बोलेंगे हम लोग स्विच ऑन कंडीशन। अब देखो बात करते हैं लॉजिक गेट, तो पहले ये समझ लेते हैं कि एक होता है एनालॉग सिग्नल का मतलब है ये टाइम वेरिंग, इसमें क्या होता है टाइम वेरिंग सिग्नल है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो जैसे कि ये सिग्नल है हमारे पास, तो इसको बोला जाता है एनालॉग सिग्नल, यानी इसका जो वोल्टेज है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एक होता है डिजिटल सिग्नल, तो इसमें क्या होता है बाइनरी नंबर के हिसाब से हम लोग चलते हैं, यानी यहाँ जो वोल्टेज है तो यहां से यहां तक इसको मानते हैं हम लोग वन, यानी इसका मतलब अगर 5 वोल्ट है तो इसको बोलते हैं वन, और फिर यहां से यहां तक ये जीरो है, फिर ये, तो इस तरह का जो सिग्नल होता है उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। या तो इसमें 5 वोल्ट है मान लो, या फिर 0 वोल्ट है, तो जब ये 5 वोल्ट है तो उसको 1 माना जाता है, और 0 वोल्ट मतलब 0 माना जाता है, तो ये जो सिग्नल होता है इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अब यहाँ लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट दरअसल ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये बनते किससे, तो जो भी हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है या जो ट्रांजिस्टर हमने पढ़ा है उन्हीं से मिला के लॉजिक गेट बनाए जाते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज है ना उसमें एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, बात समझ मारिए, तो ये लिख लो। अब हम लोग यहाँ 5 टाइप्स के लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बना लिया। क्या सो गए क्या? धीरे धीरे भागते जा रहे हैं लोग, जैसे जैसे सिलेबस होता जा रहा है लोग निकलते जा रहे हैं। Thank you.
लिख लिया? हाँ सर। A gate is a digital circuit that follows certain logical relationship between the input and output voltages. Output voltages. Okay. So generally, these are called logic gates. So generally. These are called logic gate. ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग NOT। अब ये जो NOT बनता है ये दरअसल ट्रांजिस्टर से बनता है, ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो NOT गेट इसमें क्या होता है, वन इनपुट होता है और वन आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है वो ये है, जो सर्किट सिंबल है वो ये है। दरअसल बनता लेकिन ट्रांजिस्टर से। मतलब ये बात कि अगर ए है तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ए बार मिलेगा। इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है वो होगी ए और ये वाई, यानी ए बार। जब हमने जीरो अप्लाई किया यानी कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो यह देगा वन, जब हमने वन अप्लाई किया यानी वोल्टेज अप्लाई किया तो ये देगा आपको जीरो। ये होगी इसकी ट्रुथ टेबल। लिख लिया? नेक्स्ट हमारे पास में और गेट। इसमें क्या होता है, मोर देन वन इनपुट है एंड वन आउटपुट है। इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है, मैं ए और बी ले लेता हूं और ये हमारे पास में वाई, ये हो जाएगा दरअसल ए प्लस बी। इसकी ट्रुथ टेबल है
जीरो 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 वन 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 जीरो वन 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 ये ट्रुथ टेबल है इसकी। क्या हुआ टेबल दूसरे साइड में बना सकते आप? कौन सा पीछे वाला देखना है ये? नहीं नहीं सर वो टेबल का नीचे का पार्ट नहीं विजिबल है। चीनी दिख रहा है आपको? देखो तो भी हाँ सर अब ठीक है तो ठीक है आप तो टाइम दिया है पहले विजिबल क्यों नहीं हो रहा था जी? ये ए ये बी ये जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन 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 यहाँ भी मैं ए और बी ले लेता हूँ तो ये हमारे पास में वाई है ये होगा ए बी इसकी ट्रुथ टेबल है ए बी और वाई ए बी तो जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो वन 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 ये इसकी ट्रुथ टेबल है। जीरो जीरो के लिए जीरो जाएगा क्या पूछ रहे हो? हाँ जीरो जीरो के लिए जीरो आएगा ना नहीं आया था क्या क्या लिख दिया मैंने जीरो जीरो के लिए जीरो आएगा बिल्कुल आएगा लिख लिया यस और नो? नेक्स्ट हमारे पास में नैंड नैंड गेट मतलब एंड प्लस नॉट मतलब ऐसा रहेगा तो अगर ये ए और ये बी तो वाई अपने को मिलेगा ए बी बार यानी इसको ऐसा कहीं नजर आए आपको तो नैंड होगा ये
तो इसकी ट्रुथ टेबल है ए बी और y इक्वल टू ए बी बार, तो जीरो जीरो क्या देगा, वन जीरो वन 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 जीरो वन और वन वन जीरो, इसकी ट्रुथ टेबल है। अब जिसने कंप्यूटर कर रखा हो उनको तो मालूम ही है सब, उसमें कुछ नया तो मैं बता नहीं रहा हूँ, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर गेट भी बताता हूँ मैं आपको, लिख लिया? हाँ सर। नॉर गेट, तो इसमें और प्लस नॉट, तो ये इस तरह से है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी बार, तो ये इस तरह का होगा। लेकिन ऐसा सिंबल आपको सर्किट में नजर आएगा, ये ए ये बी और वाई ए प्लस बी बार, ए बी और वाई ए प्लस बी बार, तो जीरो जीरो क्या देगा, वन जीरो वन क्या देगा, जीरो वन जीरो क्या देगा, जीरो वन वन क्या देगा, जीरो, इसकी ट्रुथ टेबल होगी। तो आपका टॉपिक हो गया है, कम्युनिकेशन में केवल थोड़ा सा बचा है, 10-15 मिनट का ही है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, दो एक दो फॉर्मूले बताने बस मुझे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो मैंने क्या बोला आपको, क्या क्या डिस्कस करने को कहा था, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा काम करते हैं, बेस्ट पार्ट तो अब ये है कि आप अभी आपका प्रैक्टिकल चल रहे हैं क्या? हाँ सर। वाले बुला रहे हैं, स्कूल वाले लग रहा है आप लोगों को हम लोग पीएचडी करवा के मानेंगे। तो दिन में कितने बजे फ्री होते हो आप? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसा करते ना, एक घंटा है रोज रखते हैं, ताकि आपका होमवर्क भी हो जाए, डिस्कशन भी हो जाए। और दो घंटे भी रखते हैं तो उसमें पता ही नहीं अब आप कितना कर पाओगे नहीं कर पाते हो, भी तो है ना। तो रोज का एक घंटा करते हैं तो उतना तो आप कर भी लोगे मेरे ख्याल से। बोलो सर, एक घंटे में कितने वो क्वेश्चन डिस्कस होंगे? अरे जितने भी होंगे कम से कम उतना तो आप कम से कम 20 तो कर ही सकते हैं भाई। आप ऐसा थोड़ी कि सारे 1-20 1-20 पूछ लो मेरे से, ऐसा तो नहीं है। वैसे तो अभी तक आप देखो, जब मैं सेमी कंडक्टर पढ़ा रहा था तो एक घंटा तो डिस्कस कर रहा था ना। हाँ सर चलेगा फिर। हाँ 11:30 के पहले
11:30 के पहले रख सकते हो? इलेवन थर्टी के पहले आपका कुछ नहीं होता, ये मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ना, कोई प्रैक्टिकल्स नहीं कुछ नहीं, ये तो कह रहे हैं प्रैक्टिकल है रहता है सर, बच्चे बोल सर सुबह प्रैक्टिकल रहता है, देखो ये तो कह रहे हैं प्रैक्टिकल रहते हैं, कब तक रहते हैं वो बता दो मुझे, 7:30 से लेकर कितने बजे तक आपका कॉमन है, कॉमन प्रोग्राम है जिसमें आप प्रैक्टिकल्स होते हैं सर, अलग सर बैचेस वाइज बुलाते हैं वो लोग, 1 बजे तक सारे फ्री होते हैं कि नहीं होते हैं, 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं सब लोग? हाँ सर, सर, हाँ सर, 2 बजे के बाद भी बुलाते हैं? नहीं नहीं बुलाते, नहीं सर 2 बजे के बाद नहीं बुलाते, 2 बजे के बाद तो किसी को भी नहीं बुलाते हैं, है ना सर, हमारा कभी कभी होता है 1:45 के बाद, अरे कभी कभी नहीं तो परेशान कर रखा, कल भी हमारी क्लास थर्सडे को है, सैटरडे को है, 4:15 तो है, तो चलो कल तो हम लोग 4:15 से ही ले लेते हैं, तो क्या दिया मैंने आपको होमवर्क में, क्योंकि जो होमवर्क दिया ना मैंने आपको, क्या दिया मेरे ख्याल से मॉडर्न फिजिक्स दिया होगा ना, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया था कि मैंने, इसके ये हो गया ना हमारा वेव ऑप्टिक्स हो गया, हां सर, अच्छा मुझे ऐसा बता दो आप तो कि कौन कौन से पीडीएफ हो गए, वेव ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया और यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन हो गया, बिल्कुल 2 हो गया, नेक्स्ट बस 2 ही हुआ ना, तो मैंने आपको वे ऑप्टिक्स के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया था कि केटीजी दिया था मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके बाद केटीजी, हाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबने कर लिया, कल डिस्कस कर सकते हैं ना अच्छे से, तो आगे का भी कर रहे हो ना, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया आपने कर लिया, वो तो कल मैं डिस्कशन में डाल दूंगा उसको, उसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया सॉरी, केटीजी वाला पार्ट जो है वो चल रहा है कि वो भी हो गया? नहीं सर चल रहे हैं, केटीजी भी कर लिया आपने, कई लोगों ने तो कर लिया, तो करो यार जल्दी जल्दी करो, अब तो जो दिया ना मैंने आपको जो पीडीएफ भेजे उनको एक एक क्वेश्चन लगा लो आप, अगर आप अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो अगर ये अभी लगा लोगे, और नहीं कोशिश करो कि एग्जाम के पहले लगा लो, है ना, ताकि काफी फायदा होगा आपको, भाई वैसे तो बाद में भी करवाऊंगा, वैसे तो मैं ऐसा तो है नहीं कि नहीं करवाऊंगा, बाद में तो ये फेब अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, मार्च अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, हमारे पास फिर सफिशियंट टाइम होगा, उसमें सिर्फ डिस्कशन रहेगा और एनसीईआरटी का डिस्कशन भी साथ में ही करूंगा, तो ये मैं जो अप्रैल का जो अटेम्प्ट है ना उसके पहले हम लोग एनसीईआरटी भी कंप्लीट करेंगे, और जो पीडीएफ मैंने जितने भेजे और जितने भी डीपीपी आपको 8 डीपीपी मिले वो 8 डीपीपी के भी सारे क्वेश्चन होने चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा, पर अभी तो टारगेट ये है कि जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन आएगा जो नहीं बनेगा आपसे, लेकिन जैसे भी सेमी कंडक्टर हो जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाए, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स हो जाए, तो इनसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, मेरा मतलब ये अभी ठीक है, तो कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे और जो मैंने सीक्वेंस बताया उसको फॉलो करते जाइए, अब जैसे मैंने केटीजी बताया, थर्मोडायनेमिक्स बताया, उसी में थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट भी होगा, आप देखिएगा उसमें होगा मेरे पास थर्मल प्रॉपर्टीज वाला, वो करने के बाद हम सेमीकंडक्टर करेंगे, सेमीकंडक्टर वाला पार्ट करेंगे फिर हम लोग, ठीक है, उसका जो पीडीएफ है वो करेंगे, बस में, और कम्युनिकेशन में तो सिर्फ हम लोग 2019-2020 के ही क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार भी उन्हीं में से क्वेश्चन थे जो 2019-2020 में जो क्वेश्चन आए थे वो सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन थे, तो उतना ही करेंगे हम लोग, तो उस टॉपिक में ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, ठीक है, और करो यार जोश लाओ, थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, जितना उतना अच्छे से करो, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप,
नहीं नहीं ये